वेलकम बैक। चलिए, तो हम लोगों का प्लांट फिजियोलॉजी की कल चल रही थी क्लास, जिसमें से बीच में आपकी कल भी इंटरप्ट हो गई थी क्लास। तो हम लोग मैग्नीशियम कर रहे थे, एक बार फिर से शुरू करते हैं मैग्नीशियम वाला पोर्शन। मैग्नीशियम कल मैंने आप लोगों को करवाया था, जिसमें से थोड़ा सा मैं आप करवा चुकी थी। मैग्नीशियम मैंने आपको बोला था कि मैग्नीशियम जो होता है ये किस फॉर्म में होता है, मैग्नीशियम कंपाउंड फॉर्म में होता है, जिसमें से डोलोमाइट डोलोमाइट और ओलिविन ये होते हैं। इनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, Mg2CO3 एंड डॉट CaCO3, ठीक है। और इसका क्या होता है, Mg2 MgFeO2 डॉट SiO4, ऐसे कुछ होता है, आप प्लीज उसे टैली कर लेना। तो कहने का मतलब क्या है कि डोलोमाइट और ऑलिविन, इसकी फॉर्म में मैग्नीशियम सॉइल में प्रेजेंस रहता है। कंपाउंड फॉर्म में मतलब कार्बोनेट के साथ भी मिलकर बनाता है, यानी कि Mg2CO3 के फॉर्म में भी आपको कंपाउंड में मिल जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, मैग्नीशियम इन एज अ फॉस्फोरस क्या होता है, सोल्यूबल सोल्यूट की फॉर्म में सॉइल में प्रेजेंस रहता है। मैग्नीशियम का फंक्शन क्या है, कल हम लोग इसके फंक्शन की बात कर रहे थे। फंक्शन क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला फंक्शन तो क्या है, इन क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल में सबसे ज्यादा काम आता है, ठीक है। लीव्स में प्रेजेंस टोटल टोटल मैग्नीशियम का 10% टोटल मैग्नीशियम का 10% किसमें होता है, क्लोरोफिल में होता है, ठीक है। 10% किसमें होता है, क्लोरोफिल में होता है। यानी कि यहाँ से आप एक चीज कह सकते हैं कि अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तो सबसे पहला सिम्टम आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहला सिम्टम आपको देखने को मिलता है क्लोरोसिस, ठीक है। दूसरा, इन मोस्ट एज अ को फैक्टर इन मोस्ट ऑफ द एंजाइम, ज्यादातर एंजाइम में एज अ को फैक्टर काम करता है, जैसे कि आपका है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है, जैसे कि आपका हेक्सोकाइनेज है, ठीक है। और बाकी के जो एंजाइम्स होते हैं सब में क्या करता है, एज अ को फैक्टर। मैक्सिमम एंजाइम्स में आप जितने भी एंजाइम्स पढ़ेंगे, मैक्सिमम एंजाइम में एज अ को फैक्टर आपको क्या मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है। तो दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द मैग्नीशियम। थर्ड है इन एसोसिएशन ऑफ बोथ राइबोसोमल यूनिट्स, दोनों राइबोसोमल यूनिट यानी कि राइबोसोम की स्मॉल यूनिट और लार्जर सब यूनिट, दोनों सब यूनिट्स के एसोसिएशन में भी क्या काम, कौन काम करता है, मैग्नीशियम काम करता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, और भी इसके फंक्शन हो सकते हैं जो नॉर्मली हमने पढ़े थे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द फंक्शंस या मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स आपको क्या मिलेंगे, यही मिलते हैं किसके, मैग्नीशियम के, कि एक तो ये क्लोरोफिल में काम करता है, ज्यादातर एंजाइम्स के लिए काम करता है, और दोनों राइबोसोम यूनिट्स को बांधने के लिए भी ये काम करता है, ठीक है। इसके अलावा एक और फंक्शन है, हम इसका लिख सकते हैं जैसे एटीपी सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में यानी कि एटीपी का जब डिवीजन होता है तब भी, या एटीपी जब फॉस्फेट ट्रांसफर करता है तब भी किसकी जरूरत पड़ती है, हमें मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द मैग्नीशियम, क्लियर है भाई सबको, ठीक। अब इसकी डेफिशिएंसी बात करते हैं कि अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है। मैग्नीशियम की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है, तो सबसे पहली तो हमने पढ़ी ली है, दैट इज द क्लोरोसिस। क्या हो जाएगी भाई, क्लोरोसिस हो जाएगी, यानी कि लीव्स जो होती हैं वो कैसी हो जाएंगी, पीली पड़ जाएंगी। क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल की कमी लीव्स में हो जाएगी, ठीक है। और क्या हो जाएगा, अब क्योंकि लीव्स पीली पड़ गई है तो क्या हो जाएगा, लीव्स शो नेक्रोसिस, ऑब्वियस बात है, नेक्रोसिस यानी कि मुरझाना मरना, लीव्स क्या शो करेंगी, नेक्रोसिस शो करेंगी,
क्या शो करती है लीव्स, नेक्रोसिस शो करती है। तीसरा, अब लीव्स नेक्रोसिस तो शो कर रही है, अच्छा क्लोरोफिल की कमी हो गई तो क्लोरोसिस होगी, तो येलो और रेड पैचेस भी हमको देखने को मिलते हैं, यानी कि लीव्स में येलो और रेड पैचेस हमको देखने को मिलते हैं। और ये रेड पैचेस किसकी वजह से होते हैं बच्चों, ड्यू टू एंथोसाइनिन। किसकी वजह से होते हैं ये, एंथोसाइनिन की वजह से। क्लियर, ठीक है। येलो और रेड पैचेस भी हमको देखने को मिलते हैं, और ये रेड पैचेस किसकी वजह से होते हैं, एंथोसाइनिन की वजह से, ठीक है। यही जो डिजीज है यानी कि ये जो हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, यही जो डिजीज है, इसको टोबैको में कौन सा नाम दे देते हैं, सेंड ड्राउन डिजीज, ठीक है। एक डिजीज हम लोगों ने कल भी पढ़ी थी, किसकी, कैल्शियम से होने वाली, याद है सबको, ब्लॉसम एंड रॉट डिजीज, ठीक है। तो टोबैको में होने वाली डिजीज इज द सेंड ड्राउन डिजीज। फैक्टर्स यही है, यानी कि सिम्टम्स यही है जो हम लोग अभी देख रहे हैं, जिसमें हमने ये बोला है कि जो लीव्स है वो कैसी हो जाती है, लीव्स एंड द वीन्स, वीन क्या है, जो लीव्स को पानी पहुंचा रही है, वीन्स, वो कैसी हो जाती है, फेड अवे, फेड हो जाती है, फेड्स, या मैं ये कहूँ व्हाइटिश हो जाती है, या उनमें पैचेस देखने को मिलते हैं, नेक्रोटिक नेक्रोसिस शो करती हैं। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं जो अभी तक हमने ऊपर पढ़े, अगर यही सारे सिम्टम्स हम टोबैको में देखते हैं, तो उस डिजीज का नाम क्या दे देते हैं हम, सैंड ड्राउन डिजीज। और सैंड ड्राउन डिजीज इन टोबैको इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द मैग्नीशियम। क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं, चलिए। तो इसका ट्रीटमेंट अगर मैं कहूँ कि अगर इसका ट्रीटमेंट करना है, तो मैंने आपको बता दिया कि जितना भी अभी तक हम कर रहे हैं ट्रीटमेंट सब में, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हम नेचुरली तो बढ़ा नहीं सकते, हम केवल क्या कर सकते हैं उसको, उसका हम केवल क्या कहते हैं, इसका हम केवल फर्टिलाइजर्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बाकी सब में, तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट। फैक्टर्स क्या है ट्रीटमेंट में, मैग्नीशियम सल्फेट की हम इसमें ट्रीट कर सकते हैं, इसको सॉइल में फर्टिलाइजर डाल सकते हैं, कौन सा, मैग्नीशियम सल्फेट। क्लियर, ठीक है सबको, चलिए। तो ये तो था मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम की कमी से। अब अगला जो है हमारा, दैट इज द आयरन। ठीक है, अगला क्या है हमारा, आयरन, Fe। आयरन जो होता है बच्चों, आयरन सॉइल में बहुत ज्यादा होता है, अबंडेंटली प्रेजेंट सॉइल में, अबंडेंटली, देख लेना स्पेलिंग, अबंडेंटली प्रेजेंट। क्यों होता है, क्योंकि नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट, या फिर मैं ये कहूं नॉट सो मच एब्जॉर्ब By the plants. Plants इसका बहुत ज्यादा absorption नहीं करते हैं, और इसीलिए ये macronutrient भी नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा plants के द्वारा इसका absorption नहीं होता, इसीलिए soil में इसकी quantity क्या होती है, ज्यादा होती है। ये कब ज्यादा मिलता है, कि कैसी soils में ज्यादा मिलता है, तो इन acidic soils, कैसी soils में बच्चों, इन acidic soils, ऐसी soil जिसमें acidity ज्यादा होती है, उन soils में ये हमें देखने को मिलता है, यानी कि इन acidic soils। ठीक, अगर मैं इसके फंक्शंस बात करूं, तो इसका जो फंक्शन है, हम जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे बच्चों, तब मैं आपको बताऊंगी इसका फंक्शन, वहां बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट वाज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। प्लांट्स में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो प्लांट्स यूज करते हैं, या मैं ये कहूँ कि उस टाइम पर जो पूरा प्रोसेस होता है, उन सब में एज अ को फैक्टर कौन काम करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आयरन काम करता है। और वहां पर जो मिलने वाले आपके एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से, साइटोक्रोम फेरेडॉक्सिन, तो इन सब एंजाइम्स में को फैक्टर कौन होता है आपका, आयरन होता है। तो आयरन का काम कहाँ होता है, इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द प्लांट्स, और
जितने भी वहां पर एंजाइम होते हैं साइटोक्रोम फेरेडॉक्सिन उन सब में भी इसका क्या काम होता, इसका ही काम होता है, ठीक है। और इसके अलावा इसका कहाँ काम होता है, इसको क्लोरोफिल सिंथेसिस, कहाँ पर, ये क्लोरोफिल सिंथेसिस में भी काम करता है ये, ठीक है, कहाँ पर, क्लोरोफिल सिंथेसिस में भी इसका काम होता है, ओके क्लियर। तो ये सारी चीजें किसकी होती है, यही फैक्टर्स है, बिकॉज इट इज नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, प्लांट्स को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, कहाँ कहाँ चीजों की जरूरत है तो वो हमने बात कर ली, यही सारी चीजें होती है जो इसकी वजह से होती है या इसको काम में आती है, ठीक है। अब अगर मैं इसकी डेफिशिएंसी बात करूं, तो यही बात कर लेते हैं, इसकी डेफिशिएंसी होगी तो हम ये कह सकते हैं रेस्पिरेशन रेट रिड्यूस हो जाएगी। मैंने आपको बोला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ होता है, रेस्पिरेशन में होता है, ठीक है, तो हम ये कहते हैं रेस्पिरेशन रेट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। मैंने आपको बोला क्लोरोफिल सिंथेसिस, तो क्लोरोफिल सिंथेसिस में काम कर रहा है, यानी कि क्लोरोफिल का सिंथेसिस क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, क्लोरोफिल सिंथेसिस रिड्यूस्ड, यानी कि प्लांट क्या शो करेगा, प्लांट शो करेगा क्लोरोसिस, और अगर प्लांट क्लोरोसिस शो कर रहा है यानी कि क्लोरोफिल नहीं है, यानी कि फूड फॉर्मेशन नहीं है, तो लीव्स क्या शो करेंगी, नेक्रोसिस, लीव्स क्या शो करेंगे बच्चों, नेक्रोसिस। तो आप इसी के आधार पर इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में भी बात कर सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है, और हो सकता है जैसे कि बहुत ज्यादा जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो लीव्स हैं वो ब्लॉच, यानी कि भाई सीधी बात है वही क्लोरोफिल सिंथेसिस, हम ये कह रहे हैं कि क्या करता है, क्लोरोफिल का सिंथेसिस कर रहा है, क्लोरोफिल फॉर्म कर रहा है, क्लोरोफिल फॉर्म नहीं होगा दैट इज द क्लोरोसिस, क्लोरोसिस होगा दैट मींस द लीव्स क्या करेंगी, नेक्रोसिस शो करेंगी, और नेक्रोसिस शो करेंगी जब बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाएगी तो लीव्स क्या आएंगी, ब्लॉच, यानी कि बिल्कुल आपको पीली पड़ने लग जाती है, बिल्कुल व्हाइटिश आपको दिखने लग जाती है, दैट वाज द इनएक्यूट डेफिशिएंसी, लीव शो ब्लॉच करेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि इतने चार कैरेक्टर्स बहुत है, क्यों, क्योंकि घुमा फिरा कर वही है, कान यहाँ से पकड़ो कि घुमा कर ऐसे पकड़ लो, बात वही है, ठीक। तो ये सब किसकी है, आयरन की डेफिशिएंसी और उसके फंक्शन है। अब बात करते हैं आपसे अगला बोरोन की, कि बोरोन कैसे प्रेजेंट रहता है प्लांट में, ठीक। चलिए बोरोन की बात करें तो बोरोन कैसा होता है, इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स, किसकी प्रेजेंस में, प्लांट्स में, पानी में, किसकी प्रेजेंस में है, इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स, और बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स ये प्लांट्स को मिलता है, बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स ये प्लांट्स को मिलता है, किसकी फॉर्म में मिलता है, बोरेट आयन की फॉर्म में, H2BO4 बोरेट आयन की फॉर्म में ये प्लांट्स को अवेलेबल होता है, ठीक है ना, रॉक्स में पाया जाता है और बोरेट आयंस की फॉर्म में ये प्लांट्स को मिलता है। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, तो बेसिकली क्या होता है बच्चों, जो ये अपना बोरेट आयन होता है, बोरेट आयन है, ये क्या करता है, कैल्शियम के साथ कंपाउंड बना लेता है, कंपाउंड विद कैल्शियम, कैल्शियम के साथ क्या कर लेता है, ये कंपाउंड बना लेता है, दैट इज द CA2BO3, ठीक है ना। और ये जो कंपाउंड होता है प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होता, अवेलेबल नॉट फॉर द प्लांट्स, ठीक है ना, प्लांट्स को ये कंपाउंड अवेलेबल नहीं होता, तो इसीलिए हम कैसे कह सकते हैं कि बोरोन भी क्या होता है, बहुत ज्यादा प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होता और इसकी इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं होती, इट इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, क्लियर। चलिए अब इसके फंक्शंस की मैं बात करूं, तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस वही हम बात करेंगे सबसे पहले, तो इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसके, सबसे पहला तो ये ट्रांसलोकेशन में मदद करता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, शुगर है, स्टार्च है, तो इन सब के ट्रांसलोकेशन में भी कौन हेल्प करता है, बोरोन हेल्प करता है। इसके अलावा और किस में काम करता है, इन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में काम करता है। तीसरा
आयन मेंटेनेंस या मेंटेनेंस ऑफ आयन मैं कह दूँ, आयन का मेंटेनेंस। जब मैं आपको मिनरल ट्रांसपोर्ट पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी, मैंने आपसे कल भी बात करी थी कि जब हम कैल्शियम वगैरह ये सारे आयन्स पढ़ते हैं तो बेसिकली इन सबको हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो आयन्स के मेंटेनेंस में भी ये काम करता है, ठीक है ना। और क्या करता है ये, वाटर का मूवमेंट कंट्रोल करता है, ठीक है। वाटर का मूवमेंट कंट्रोल, वाटर मूवमेंट वही आ गया भाई, मेंटेनेंस ऑफ आयन कंट्रोल वाटर मूवमेंट। क्यों आप मुझे बताइए कैसे आप रिलेट करेंगे, आयन्स का कंट्रोल मेंटेन करेगा, आयन के कंट्रोल में पोटेशियम आयन आता है कि नहीं आता है, आता है। अगर पोटेशियम आयन को कंट्रोल कर रहा है दैट मींस द वाटर इन एंड आउट ऑफ द सेल, सेल का पानी में अंदर, पानी का अंदर जाना बाहर जाना उसको भी कंट्रोल करेगा, पोटेशियम से ही होता है सेल के अंदर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं वाटर मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसके अलावा और क्या कर सकता है ये टॉक्सिक रिएक्शंस को रोक सकता है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा है, टॉक्सिक रिएक्शन को कंट्रोल करता है, बेसिकली उन एंजाइमेटिक रिएक्शंस को ये कंट्रोल कर देता है, वो एंजाइमेटिक रिएक्शन जो किसमें टॉक्सिन में हेल्प करती है, यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, ठीक है ना। टॉक्सिक इफेक्ट वो एंजाइमेटिक रिएक्शंस को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या है, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो बेसिकली बोरोन की फंक्शंस हैं। मैं आपको पहले ही कह रही हूँ बच्चों कि काफी सारे फंक्शंस हैं जो आपको मिलते हैं, लेकिन घुमा फिराकर वही फंक्शन है। तो आप बेसिकली इन्हीं को याद रख लें, इन्हीं को पढ़ लें, बाकी सारे आपके फैक्टर्स इन्हीं में ही कंट्रोल हो जाते हैं। अब आपको इसी में घुमा के दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर मेंटेनेंस ऑफ आयन, तो यहाँ पर आपको किसी आयन का नाम जैसे दे दिया, मान लो दो आयन्स का नाम दे दिया, अलग अलग दे दिया, जैसे पोटेशियम अलग दे दिया, कैल्शियम अलग दे दिया, मैंने एक बता दिया, दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ आयन, ठीक है ना। तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी की। तो डेफिशिएंसी ऐसी बात कर ले, अभी थोड़ी देर पहले हमने जैसे आयरन की बात करी, यहाँ पे बात करती हूँ मैं डेफिशिएंसी की। पहला पॉइंट हमने देखा है ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मैंने बोला कार्बोहाइड्रेट्स और ये जितनी भी होती है इनके ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है, यानी कि अगर बोरोन की कमी हो जाएगी तो ट्रांसलोकेशन नहीं होगा, किसका, फूड का, फूड का ट्रांसलोकेशन स्टॉप हो जाएगा, फूड स्टॉप नहीं, फूड ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड स्टॉप बोरोन की कमी में। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, प्लांट ग्रोथ स्टॉप रुक जाएगी, तो प्लांट कैसा हो जाएगा, प्लांट बिकम ड्वार्फ। देखो एक ही पॉइंट से हमने तीन पॉइंट बना दिए। अब आप इसको एक में भी लिख सकते हैं, आप इसको तीन में भी लिख सकते हैं। तो प्लांट कैसा हो जाएगा, ड्वार्फ, छोटा रह जाएगा। तो ये इसकी किसकी वजह से, प्लांट्स में शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स के ना ट्रांसलोकेट होने की वजह से, ठीक है। अच्छा, डाईबैक सिस्टम सिम्टम पता है आपको, किसकी कमी से हो रहे थे, पोटेशियम की कमी से हो रहे थे, डाईबैक सिम्टम। अच्छा, डाईबैक सिम्टम क्या थे, मैंने आपको बताया था रोजेट ग्रोथ, याद है आपको, फ्लावरिंग का रुक जाना, प्लांट का छोटा रह जाना, उसके इंटरनोड का इलोंगेशन नहीं होना, रोजेट ग्रोथ, याद है आपको। तो यहां मैं लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती हूँ, क्यों, यहाँ पे भी तो प्लांट छोटा रह जा रहा है, तो मैं ये लिख सकती हूँ कि प्लांट शो डाईबैक सिम्टम, शो डाईबैक सिम्टम, है कि नहीं है, क्लियर। तो ये भी एक पॉइंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि प्लांट क्या शो कर रहा है, डाईबैक सिम्टम को शो कर रहा है। अब डाईबैक सिम्टम में आपका फ्रूट भी था, याद है आपको, फ्लावरिंग स्टॉप, फ्रूट ग्रोथ स्टॉप, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको ही फ्रूट डेवलपमेंट रिटार्डेड, फ्रूट का डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फ्रूट डेवलपमेंट रिटार्डेड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रूट का भी डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, या नहीं होगा, या इरेगुलर होगा, ठीक। चलिए, अच्छा एक है इसमें जो हम डिजीज, मैंने आपको हमेशा बोली हम हमेशा डिजीज का नाम तो याद रखेंगे, तो इसमें एक डिजीज है जिसमें हम बात कर सकते हैं कि वो डिजीज क्या है, वो डिजीज है आपकी हार्ट रॉट डिजीज या डाई रॉट ऑफ शुगर बीट। शुगर बीट शकरकंद, शुगर बीट क्या है, शकरकंद, ठीक है। तो हार्ट रॉट और ड्राई रूट रॉट डिजीज, ठीक है, इन शुगर बीट, किसमें, शुगर बीट में, शकरकंद में। बेसिकली इसमें क्या होता है, ड्राई रूट आ रहा है, तो बेसिकली जो रूट होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, नेक्रोटिक शो करती है, यानी कि उनका जो बीच का पोर्शन है
सेंट्रल पोर्शन, बीच का पोर्शन क्या करता है, निक्रोसिस शो करता है, ठीक है। अब रूट्स जो होती है अगर नेक्रोसिस शो कर रही है, दैट मीन्स का पानी का इफेक्ट होगा, पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो जो लीव्स होती है, लीव्स जो होती हैं वो क्या शो करती हैं, येलो पैचेस, येलो पैचेस, लीव्स और वीन्स, लीव्स और वीन्स क्या करेंगी, क्या शो करेंगी, येलो पैचेस। क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं, चलिए जी। अब अगला हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, बोरोन सॉल्ट ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं इसका, बोरोन सॉल्ट, ठीक है, ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं इसका, बोरोन सॉल्ट, ठीक, क्लियर। अब चलिए अगला बात करते हैं आपसे, मैग्नीज की बात करते हैं, ठीक, मैग्नीज की बात करते हैं। काफी सारे हैं अभी आपके, एक एक करके बात कर रहे हैं हम सबकी। मैग्नीज, मैग्नीज, मैग्नीज भी कंपाउंड की फॉर्म में प्लांट्स को मिलता है सॉइल से, ठीक है। कौन सा कंपाउंड बनाता है ये, मैग्नीज ऑक्साइड MnO2, कौन सा बनाता है, मैग्नीज ऑक्साइड MnO2, ठीक है। अच्छा, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है, जैसे कि मैंने आपसे कैल्शियम की बात करी थी, आपको याद है, तो कैल्शियम में मैंने आपको क्या बात करी थी कि pH इंक्रीज होता है तो कैल्शियम इंक्रीज होता है, यानी कि एच आयन डिक्रीज होने पर कैल्शियम क्या होता है, इंक्रीज होता है, ये बात हमने करी थी, कैटायन एक्सचेंज की हमने बात करी थी वहां पर। लेकिन मैग्नीज जो होता है, मैग्नीज एसिडिटी में, यानी कि एच प्लस आयन जब इंक्रीज होता है तो मैग्नीज इंक्रीज होता है, MnO2 की फॉर्म में होता है ये सॉइल में, ठीक है। मैग्नीज इंक्रीज होता है, यानी कि मैं कर सकती हूँ कि इट इज प्रेजेंट इन द एसिडिटी सॉइल, एसिडिक सॉइल वहां पर होता है, ये एसिडिक सॉइल में होता है, और डिक्रीज डिक्रीज होता है कहाँ पर, इन एल्कलाइन सॉइल, कहाँ पर, एल्कलाइन सॉइल में ये डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज इन एल्कलाइन सॉइल, ठीक है। इसके अलावा और मैं क्या बात कर सकती हूँ कि ये एक टॉक्सिक लेवल तक पहुँच सकता है बच्चों, यानी कि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है, प्लांट इसको बहुत कम लेते हैं, अगर ज़्यादा ये प्लांट में एब्जॉर्ब हो जाए तो ये टॉक्सिसिटी भी कर देता है, दैट इज वेरी रेयर, दैट इज वेरी रेयर, क्यों, क्योंकि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं कि भाई कोई भी न्यूट्रिएंट है प्लांट लेता है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट है कम लेता है, लेकिन अगर इसकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाए बच्चों तो ये टॉक्सिक लेवल तक भी पहुंच जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका फंक्शन क्या होता है, किसमें ये बहुत ज्यादा यूज आएगा, तो इसकी हम बहुत ज्यादा बात तो खैर नहीं करते हैं, क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूं, ये आता भी नहीं है, लेकिन इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, दो तीन इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसमें हम बात कर लेते हैं। पहला तो लाइट रिएक्शन, प्लांट्स में ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस जो लाइट रिएक्शंस होती हैं उसमें ये काम करता है, ड्यूरिंग द हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर मैग्नीज वहाँ यूज होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि लाइट रिएक्शन में होता है। दूसरा, मेटाबॉलिक एक्टिव प्लांट्स में, ऐसे प्लांट्स जो बहुत मेटाबॉलिक एक्टिव रहते हैं उन प्लांट्स में भी हमें मैग्नीज की क्वांटिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। तीसरा, आयरन के कन्वर्जन में, Fe को फेरस ऑक्साइड, फेरस में, फेरिक में कन्वर्ट करने के लिए भी मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ दो तीन पॉइंट्स हैं, आप इन्हीं में ही लिख सकते हैं आप इसको, और इसका क्लोरोफिल में भी काम आता है, क्लोरोफिल सिंथेसिस में भी इसका काम है, ठीक है ना। तो इसके यही दो तीन पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हैं फंक्शन। पहला क्या, लाइट रिएक्शन में काम करता है, लाइट रिएक्शन में हेल्प करता है, जो लाइट रिएक्शन में हाइड्रोलाइसिस होता है वाटर का वहाँ ये काम करता है। दूसरा, क्लोरोफिल सिंथेसिस में भी काम करेगा। मेटाबॉलिक जो एक्टिव प्लांट्स होते हैं, फिजियोलॉजिकली मेटाबॉलिकली जो एक्टिव प्लांट्स होते हैं उनमें भी ये काम करता है। आयरन कन्वर्ट करने का काम करता है, आयरन को फेरस में, फेरिक में कन्वर्ट करने का काम ये करता है, ठीक है ना। तो ये सारे किसके, आपके मैग्नीज के फंक्शन होते हैं। अब यहीं से आप इसकी डेफिशिएंसी भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अगर क्लोरोफिल सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है दैट मीन्स द क्लोरोसिस होगी,
होगी कि नहीं होगी, ठीक है। और मैं कह रही हूँ इसमें आपके लाइट रिएक्शन में काम कर रहा है, लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस पे होता है कि नहीं होता है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगा, करेगा, ठीक है। और मैं क्या कह सकती हूँ कि जो रूट सिस्टम है, ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है, तो डेफिशिएंसी में आपकी यही लिख देती हूँ, क्लोरोसिस क्लोरोफिल सिंथेसिस में काम कर रहा है, फोटोसिंथेसिस रेट रिड्यूस्ड हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस की रेट क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी, ठीक है। और क्या डेफिशिएंसीज की हो सकती हैं, इधर से आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसका रूट सिस्टम में भी हेल्प होता है, तो रूट सिस्टम कैसा होगा, रूट सिस्टम डेवलप नहीं होगा, रूट सिस्टम नॉट डेवलप। तो ये सारी क्या है इसकी डेफिशिएंसी है, किसकी, मैग्नीज की। चलो तो ये सब क्या है, मैग्नीज की डेफिशिएंसी है। कुछ प्लांट्स में मैग्नीज की डिजीज भी होती है, आपकी बुक में आपको दी हुई है, आप वो पढ़ेंगे, ग्रे स्पेक डिजीज इन ओट्स, स्पेकल येलो डिजीज ऑफ बीट और ब्लाइट ऑफ शुगर केन, ठीक है। ओट्स, ओट्स किसको बोलते हैं, रागी को, ओट्स किसको बोलते हैं, रागी को, वीट, वीट, राई, ये सब क्या है, ये सब आपके ओट्स हैं, तो इनमें कौन सी डिजीज होती है, ग्रे स्पेक डिजीज। ग्रे स्पेक डिजीज क्या है, ग्रे नाम से समझ में आता है, यानी कि ग्रेइश पैचेस आपको लीव्स पर क्या देखने को मिलते हैं, ग्रेइश पैचेस आपको प्लांट बॉडी पर देखने को मिलते हैं, दैट इज द ग्रे स्पेक डिजीज, ठीक है, प्लांट में। स्पेकल येलो डिजीज, स्पेकल येलो डिजीज नाम अलग अलग है, स्पेकल येलो डिजीज ऑफ बीट, बीट क्या है, बीट शुगर केन, ठीक है। तो बीट में यानी कि शुकरकंद में या उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, उसमें येलोइश पार्ट देखने को मिलता है, यानी कि लीव्स कैसी हो जाती है बच्चों, येलो हो जाती है, ठीक है ना, किसकी वजह से, वो तो आपको यहीं से समझ में आ रहा है, क्लोरोसिस हो रहा है प्लांट्स में, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहा है, क्लोरोसिस हो रहा है, इसका मतलब क्या शो करेगी प्लांट, लीव्स क्या शो करेंगी, क्लोरोसिस, और क्लोरोसिस की वजह से लीव्स कैसी हो जाएंगी, येलो हो जाती है, ठीक है। तीसरा है आपका ब्लाइट ऑफ शुगर केन, ब्लाइट ऑफ शुगर केन में भी क्या है, येलो। तो बेसिकली ये सब किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि क्लोरोफिल के सिंथेसिस में मैग्नीज का हेल्प होता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट किसमें हेल्प होता है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस दैट मींस फूड फॉर्मेशन, फूड फॉर्मेशन फोटोसिंथेसिस की रेट को अफेक्ट कर रहा है, यानी कि फूड के फॉर्मेशन को अफेक्ट कर रहा है। तो आप इसमें और क्या फैक्टर्स जोड़ सकते हैं, प्लांट शो नेक्रोसिस, लीव्स शो नेक्रोसिस, तो ये सारी पॉइंट्स भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो आपको केवल इन डिजीज़ का नाम लिखना है, यानी कि ग्रे स्पेक डिजीज ऑफ द वीट, येलोइश डिजीज ऑफ बीट एंड आपकी ब्लाइट ऑफ शुगर केन, स्पेकल येलो डिजीज ऑफ बीट एंड ब्लाइट ऑफ शुगर केन। क्लियर है सबको, कोई डाउट है तो पूछिए भाई, अभी नहीं है, चलिए अगला है जिंक, अगला है आपका जिंक, मैम ज्वाइन करानी है, रिज्वाइन कर लीजिए वो जो क्लास।